हेलो गाइस, राम राम, कैसे हो? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आपका वेलकम है मेरे चैनल में। तो गाइस, आज जैसे कि है संडे, तो संडे को थोड़ा सा हमारा काम था ऑफिस का, थोड़ा सा गाड़ी का, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ आनंद विहार। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं हम रास्ते में। जैसे कि हम जा रहे हैं ईडीसी बोल रहे थे आनंद विहार के पास में, तो हम निकल रहे हैं ओखला मंडी की रोड की साइड से। पहले वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने बताया था आपको क्योंकि आश्रम का जो नया फ्लाईओवर बना हुआ है वो, तो उसके लिए हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप आश्रम चौक से नहीं जा सकते क्योंकि वो जो कट था वो बंद कर दिया गया है, इसके वजह से थोड़ा जो है यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये तो है अपना राजनगर का फ्लाईओवर। आप बोलेंगे एक ही वीडियो में एक ही चीज़ दिखा दे पावर, तो उस टाइम तो मैं बाइक पे था, आज मैं गाड़ी में हूँ। तो एंकल कैसा आ रहा है प्लीज़ बताना मुझे। तो अपना टाइम हो रहा है 8:31, और मैं घर से फिर फटाफट में निकला क्योंकि लेट हो गया था, मैंने कहा फटाफट निकला जहाँ उस गाड़ी को हम 40 पे भगा सकते, उससे ज़्यादा हम भगा नहीं सकते, 80 तक लेकिन भगा नहीं सकते, कमर्शियल गाड़ी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आराम आराम से बोल सके, तो ईडीसी जाना कोई जल्दी नहीं है क्योंकि आज संडे भी है। वैसे के संडे मैंने कहा आराम आराम से पहुँचेंगे, रोड खाली मिलेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। वहाँ जाके थोड़ा सा काम कराना है। यहाँ पर पहुँच गए हम आश्रम के पुराने फ्लाईओवर, ये रेलवे फ्लाईओवर, उसके बाद आएगा फिर आश्रम चौक वाला फ्लाईओवर। ठीक है, फिर आएगा नया वाला जिसका नाम मेरे ख्याल से वो रखा हुआ इन्होंने, क्या नाम पढ़ा तो था यार मैंने, वो ध्यान नहीं आ रहा। तो हम निकलेंगे सीधा सराय होते हुए, सराय काले खां सराय होते हुए, काले खां होते हुए। तो धूप जैसे बहुत बढ़िया हो रही है, नीचे पहुंच गए हम आश्रम चौक पे, नीचे अंडर पास, हमें जाना सीधा। आश्रम का फ्लाईओवर नया वाला, यहाँ पता नहीं कैमरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, पहले इतना जाम रहता था नीचे, आपको पता ही होगा जो दिल्ली के लोग हैं जो नोएडा वगैरह जाते हैं, तो यहाँ सबसे बढ़िया हो गया, सब सीधा अपना फ्लाईओवर पे चढ़ो, आप चढ़ के सीधा अपने DND वो नोएडा के लिए जाना हो, मयूर विहार जाना हो, तो सीधे आप यहाँ से जा सकते हैं। हमें लेकिन हमें जाना है लेफ्ट, तो हम लेफ्ट जाएंगे क्योंकि हमारे भी थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमें गाड़ी लेके चलना पड़ता है। फ्लाईओवर से नीचे आ जाएंगे सराय काले खां की साइड में, इसलिए मैं सीधा जाऊंगा तब वहाँ की वीडियो बनाऊंगा, अभी तो यहीं की आप देख लीजिए। बाकी आज हमारी जा रही है पांच गाड़ियों में जा रहा है हमारे संत भाई साहब है, और एक सोनू है, सोनू सागर, और एक है आपका तरुण, और एक प्रेम जी, आपसे मिलाऊंगा अभी सबसे, और एक हूँ मैं। ये देखो बारापुला, ये फ्लाईओवर है, ये मेट्रो काम बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा एक फ्लाईओवर भी बन रहा है जो कि आपको मयूर विहार मिलाएगा, और ये बारापुला भी जो मयूर विहार जा रहा है, अभी यहाँ काम चल रहा है ये वाला। दिल्ली का अभी तक का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर है जो आप ये देख रहे हैं, बारापुला लंबा फ्लाईओवर है ये, बारापुला का मतलब दिल्ली का। सो यहाँ से सीधा ये पहुँच गए हम सराय काले खां, यहाँ से होते हम सीधा निकलेंगे आपका हाईवे पे, आपको हाईवे पे होते हुए हम सीधा निकलेंगे आपका ईडीसी के आनंद विहार। यहाँ दिन में आज तो संडे थोड़ा सा शांति है, नहीं तो वहाँ से आप निकलेंगे तो आपको यहाँ जाम मिलेगा ही मिलेगा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है बसें खड़ी रहती है,
और ये थोड़ा सा ट्रैफिक इसका रहता है। तो ये सरायकालेखा का पुराना फ्लाईओवर, तो अभी सिंगल है। अब इसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं इधर बन रहा है, काम चल रहा है इसका। क्या ये क्या कर रहे हैं तो लोग बीच में गाड़ी रोक लेते हैं, एकदम आगे का देखते हैं पीछे। ये मेरे ख्याल से लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं मेट्रो का बन रहा है। मेट्रो का बन रहा है या क्या बन रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेट्रो का है या गाड़ियों का है। डिपो बन रहा है मेट्रो का बहुत बड़ा। सरकार के पास बहुत जगह है इसलिए उन्होंने अपना यहीं डेरा डला दिया, बना दिया। जब पहुँच गए सराय कालेखा, मैं लेफ्ट में सारी जो दुकानें हैं इधर, और आपका निजामुद्दीन वो है रेलवे स्टेशन। हम पहुंच गए हाईवे पे, अब यहाँ से हम लेंगे राइट। तो अब ये सीधा चलेगा अपना आईटीओ के लिए और हम राइट हो गए यहाँ से। तो हम जमुना ब्रिज आएगा और यहाँ हमें 40 से बिल्कुल ऊपर नहीं चलानी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैमरे और हमें लग सकता है 2000 रुपये का चूना। तो इससे अच्छा है हम 40 से नीचे ही चले, 30-35 ठीक है, क्यों रिक्स ले, क्योंकि जितनी सैलरी नहीं उतनी हम चलान भर देंगे तो क्या फ़ायदा। और अपने सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, स्लो चलेंगे, आराम से सेफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दूसरा अगला कोई आगे गलती करता है तो उससे भी हम जो कंट्रोल कर लेंगे अपनी गाड़ी, लेकिन ओवर स्पीड हम ही होंगे तो फिर जल्दी गाड़ी कंट्रोल होती नहीं है। इस वजह से अपनी गाड़ी को अब नॉर्मली स्पीड में चलनी चाहिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रक ख़राब हो गया, ये मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे चाय पकड़ के आप नाश्ता कर सकते हो, 2400 घंटे खुला रहता है। एक इधर है लेफ्ट में, एक उधर राइट में भी है, उसके बाद ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा तो वहाँ भी लेफ्ट में है, और वहाँ शुरू होता है तो वहाँ भी राइट में है। ये दोनों जगह बना रखा है। तो बहुत हाई फाई रेट है यार इनके, बहुत हाई फाई, मैंने एक बार खाया था ठीक है। तो ये हमारे भाई से कुछ बाइक वाले कुछ लेके जा रहे हैं जमुना जी में फेंकेंगे। जय जमुना मैया। जमुना मैया को बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है फैक्ट्री वालों ने, हम भी लोगों की कमी है, क्या कह सकते हैं। गाड़ी को कर लेता हूँ मैं डाउन। हाँ अब ठीक है, क्योंकि आगे आ रहा है स्पीड कैमरा, इसलिए गाड़ी को मैं चलाऊँगा बहुत से। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑफिसों के काफ़ी चलान कट चुके हैं दोस्तों के, इसलिए जो भाई क्यों रिक्स ले, आराम से चलेंगे हम। जैसे जल्दी है वो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बंद पड़ा है चाय पकौड़े वाला, वो वाला खुला हुआ है शायद बंद होता होगा। देखो सामने देख लो कितने सारे कैमरे लगे हुए, इधर कैमरा उधर कैमरा, दूसरा तो हमें लाइन में चलना है। क्योंकि ये बीच वाली लाइन में नहीं जाना है, उसमें अलाव नहीं है, अलाव है लेकिन हमें उधर जाना नहीं है, क्योंकि बीच में हमें कट लेना है, आगे जाके कट मिलेगा नहीं हमें, इस वजह से जो अपना आराम आराम से चलना है। तो धूप आ रही है, तो धूप मेरे सीधा मेरे राइट वाले गाल पे मतलब चेहरे पे आ रही है, और मेरा एकदम ना गर्म हो गया है ठीक है इस वजह से। यह है खेलगांव और अक्षरधाम मंदिर मेरठ मुरादाबाद। एक्चुअली क्या कल मेरे को जो है ना काम निकलना है, मतलब बोले तो मैं सिस्टर के यहाँ जाना है मेरे को, तो आज मैंने संडे आज यहाँ का ही काम मिल गया मेरे को, तो वैसे ये जल्दी से सुबह आ जाता हूँ काम करवा के, फिर ऑफिस पर गाड़ी दो धागे खड़ी करके फिर घर निकलूँगा। घर पर भी जाके शॉपिंग वगैरह भी करनी है, शॉपिंग करने के बाद फिर अपनी कटिंग वगैरह भी करवानी है। क्या है मैं कल की सुबह की ड्यूटी मॉर्निंग की करूँगा, मॉर्निंग की ड्यूटी करने के बाद मैं फिर सीधा निकलूँगा आपका आनंद विहार से फिर मैं पकड़ूँगा सीधी बस, और बस पकड़ के सीधा सोरो। तो रात को पहुँचूँगा वहाँ पे, क्योंकि 205 किलोमीटर देखा था मैंने उससे, लेकिन बस तो उसके हिसाब से नहीं जाती, वो अंदर रास्ता दिखा रहा था दिवस, मतलब परी चौक होते हुए वहाँ से निकलते हुए जेवर से होते हुए, बस पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जाएगा, तो भाई वो अपने सवारी के हिसाब से लेके जाएगा ठीक
ठीक है, तो ये है NH-24 हाईवे। देख सकते हो आप कितना लंबा चौड़ा हाईवे बन गया, पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है, तो बहुत चेंज हो गया है। लगता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो जाएगा हमारे देश में, लेकिन आज हमारा देश हाईवे हाईवे पर तरक्की पा रहा है, तो ये हमारे देश की तरक्की। जय भारत माता। अब हमारा देश गाइस, मैं पहुंच चुका हूं आनंद विहार के आसपास में, तो मैं यहां से राइट लूंगा तो अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा, और मैं लेफ्ट लूंगा तो अपना, जब मैंने प्रीत विहार की वीडियो डाली थी, वो प्रीत विहार का मंदिर जो लेफ्ट में है, यहां से एक रेड लाइट पड़ेगी, फिर फ्लाईओवर पड़ेगा प्रीत विहार का, वहां से फ्लाईओवर से उतरते ही हल्का सा आपको उसी में यू टर्न लेना है, मतलब लेफ्ट साइड में यू टर्न लेना है, वहां से लेफ्ट लेके अंदर प्रीत विहार मंदिर, वो फ्लाईओवर से भी आपको दिख जाएगा मंदिर, तो वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वैसे मेट्रो से आना है तो आपको वहाँ पे प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन है सबसे नज़दीकी, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से पैदल नहीं तो आप ई रिक्शा आपको मिल जाएगा, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से राइट चलेंगे, ऑफिस जाना है मतलब, क्योंकि ऑफिस का काम है हमारा, तो वो निपटा के फिर वहाँ पहुँचते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन पहुँचा है, पहले तो हमारे सोनू पहुँचा होगा शायद, फिर मैं जाऊँगा, फिर तरुण हो गया, फिर प्रेम जी हो गए। हम यहाँ से लेफ्ट राइट हो गए, फिर लेफ्ट हो गए, और यहाँ से हम राइट होंगे टी पॉइंट से, और हम पहुँच जाएंगे ऑफिस। बाकी यहाँ से कहाँ जाना है अभी तो रहमान सर आएंगे, वो बताएंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो चलो चलते हैं। वैसे यहाँ खाने की सुविधा यहाँ से बहुत कुछ है, आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ नान वगैरह की दुकान है, बाकी चीज़ें दुकान है, बहुत चीज़ें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हो। अपने हम यहाँ ऑफिस के पास गाड़ी लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारी DC की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, चलिए यहाँ लगा देते हैं गाड़ी। बस हम पहुँच गए, और थोड़ा सा कुछ खा लो जरा। हमारे संत भाई यहाँ के पुराने
सीनियर आदमी, अरे हमारा तरुण छोटा भाई, अरे हमारा सोनू जी यूट्यूबर ब्लॉगर सोनू सागर और ये हमारा डार्लिंग, ये देखो तो डार्लिंग आए, हेलो करो आए, हेलो, हां बोलो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक करो और शेयर, चैनल अच्छी लगे तो शेयर भी कर दो, शेयर भी कर दो फटाफट, शेयर नहीं शेयर शेयर। तो भाई इसका चैनल है सोनू सागर ब्लॉग, आप देख सकते हो सारी जागरण की वीडियो, भक्ति की, मंदिर की, सब वो इसके पास ही मिलेगी चैनल में, ठीक है। अरे कैसे हो रही है, चलो तो हम सारे भाई चाय पीने बैठे हैं अभी, क्योंकि EDC हम पहुंच चुके हैं, तो अभी मिस्त्री खुलेगा 10 बजे आएगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। हेलो, अगर बंद होगी तो शॉर्ट हो सकती है बैटरी, स्टार्ट होगी तो नहीं होगी। फोन करके पूछा मेरे से, बताओ दोबारा बोल रहे एक्टिंग करना, इधर से कौन जाएगा? महिपाल जी क्या बोले, इधर से तो कोई नहीं जाएगा। फुल सेट थे महिपाल जी का, भाई साहब अभी जंग छिड़ गई थी बंदरों के साथ, एक मेरे पीछे एक किसके पीछे, और एक गैंग लीडर थे बंदरों के। ये भाई उसको बेल्डिंग वाला कह रहा था मैं नहीं, मैं रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीन बहुत बढ़िया था भाई, वीडियो बननी चाहिए थी। दो पैरों पे भग रहा था वो। मुझे तो इसमें ये वाली बाकी हल्की सी दिखाता हूँ आपको, बाकी ये टीन ये हल्की सी। हमारे सचिन भाई भी आ गए, सचिन भाई कब पहुंचे तुम? महिपाल जी बोल रहे थे कि आधे घंटे में फ्री हो जाओगे, जल्दी जाओगे तो घर जल्दी आ जाओगे, वो तो एक नुकसान बोलने का, अभी शाम हो जाएगी यहाँ पे। मेरा तो टाइम खराब है। हमारे सोनू सागर भाई, हमारे सोनू सागर भाई हमारे साथ गाड़ी चलाते हैं, DHL में हम सब काम करते हैं, और ये सोनू सागर भाई बहुत ही फेमस है, मिलने का पता शमशान घाट बदरपुर ओल्ड राजीव गांधी स्टेडियम की बैक साइड में, तो कभी भी आए शमशान घाट में इनसे कांटेक्ट करें। क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा? शमशान घाट नियर ओल्ड थाना। डिस्काउंट क्या कुछ मिलेगा नहीं? और अपने घर का आप मुर्दा लेकर जाते हो तो वहाँ पे लकड़ियों पर डिस्काउंट बाकायदा मिलेगा, और दक्षिणा बहुत ही कम ली जाएगी, और मटके का भी थोड़ा डिस्काउंट है। तो कृपया कॉन्टेक्ट करें सोनू सागर भाई, इनका मोबाइल नंबर मैं अभी नीचे स्क्रीन पे सेंड कर देता हूँ। हाँ, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। बहुत ही नेक आदमी है, हमेशा दान धर्म में रहते हैं, किसी गरीब परिवार में लकड़ियों के भी पैसे नहीं है तो वो भी फ्री है इनकी। हाँ नहीं, ये सच बात है, बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। हम आप जैसे लोगों की वजह से, ये वो इंसान है जिन्हें लॉकडाउन में फ्री में संस्कार किया था।